हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। हिमाचल पुलिस प्रदेश भर्ती की तरफ से एक बार फिर से पुलिस भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट आ चुका है। अब आप लोग टोटल 1334 पद हेतु आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको डिटेल्स में जानना होगा कि योग्यता क्या रहने वाला है, सैलरी कितना मिलेगा, आयु कितना है। साथ ही फ्रेंड, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स में प्रक्रिया जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हिमाचल पुलिस भर्ती का रिक्वायरमेंट का हम पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को दिखाते हैं डिटेल्स में एक बाय एक करके। अगर आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, उसको क्लिक करिएगा तो आप लोग ये नोटिफिकेशन आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे हम डिटेल्स में अब आपको दिखा दूँ। सबसे पहले अगर बात किया जाए वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है 1334 पदों पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाला है। यहाँ पर पुलिस की जो पुरुष की बात करें तो पुरुष 932, महिला 311 और ड्राइवर का जो पोस्ट है 91, टोटल मिलाकर के 1334 पद हेतु आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, जिला वाइज भी आप लोग देख सकते हैं, बिलासपुर, चंपा, हमीरपुर, कंगरा, किन्नौर, कुल्लू, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, खुद से भी देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिटेरिया कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। 12th अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हुए हैं तो 12th पास कर लिए हैं तो इस आवेदन को कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप लोग को एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आप लोग को हम दिखा देते हैं, लेकिन आपको हम शॉर्टकट में बता दूँ तो एग्जामिनेशन फ़ी अगर जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं, यहाँ पे चलिए हम आपको एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 300 रुपया पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं तो फिर 150 रुपया आप लोग को पे करना पड़ेगा। जनरल ओबीसी के लिए फिर से देख लीजिए, जनरल और ओबीसी जो भी कैटेगरी के हैं, इन दोनों कैटेगरी के लिए 300 रुपया यहाँ पर एडमिशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है। और एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए 150 रुपया यहाँ पर ऑनलाइन आप लोग एग्जामिनेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आप लोग को 30 अक्टूबर यहाँ का लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का, 30 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन आज की डेट से स्टार्ट है तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें, वहां से आप लोग ऑनलाइन करिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको हेल्प तुरंत करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे नए नए खबरों को लेकर के। देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।